जैसे ये चेयर्स हैं, आप चेयर्स पर बैठ सकते हो और ये चेयर भी हायर कर सकते हो। देखिए लोग कुछ वहाँ पे बात भी करते हुए। अच्छा सामने में आपको ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा छेना खोई, छेना गाजा, खाजा, वो आरिशा। और पीछे शॉप से हमने ये स्वीट ले ली, लोकल स्वीट फ्रॉम उड़ीसा, और अभी लूँगा मैं अपनी ट्रेन दिल्ली के लिए। के बज रहे हैं 10 और मैं आया हूँ गोल्डन बीच पुरी। तो आप ये देखिए, मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। और तो अभी मॉर्निंग में कैसा फील होता है गोल्डन बीच पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट राइट बिहाइंड मी आप देख सकते हैं पूरा सी, और देखिए ऐसा व्यू आता है कुछ। ये पीछे हैं होटल्स और इनके जस्ट सामने है ये गोल्डन बीच। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे आप हॉर्स राइड कर सकते हो, कैमल राइड भी यहाँ पे की जा सकती है। एक बार आगे जाके देखते हैं। और जैसे ये चेयर्स हैं, आप चेयर्स पर बैठ सकते हो और ये चेयर भी हायर कर सकते हो। और एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू सिट हेयर यू कैन सिट हेयर। देखिए लोग कुछ वहाँ पे बात भी करते हुए। और आगे वहाँ पे जो सैंड की जो आर्ट है वो भी की जाती है। तो वो वहाँ पे लोग बोट राइडिंग भी करते हुए। वाव। और एक बार पानी तो टच करने को बनता है। और उस साइड में अगर जाएंगे तो उस साइड में जो यहाँ का फेमस मार्केट है और गोल्डन बीच का, और वहाँ पे सैंड आर्ट भी की जाती है। और बैक साइड में ये पूरे ये सारे के सारे हैं होटल्स। मुझे पता चलता है कि जो नंबर ऑफ द टूरिस्ट यहाँ पे जो आते हैं वो ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा आते हैं, वेस्ट बंगाल एंड ऑल। और हमारे साइड से थोड़े कम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं नॉर्थ इंडिया से, बिकॉज एक तो ये थोड़ा सा दूर भी है और तो टाइम ज़्यादा भी लगता है। बाकी फ़्लाइट से आने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम नॉर्थ इंडियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं गोवा मुंबई जाना, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट एनी लेस ब्यूटीफुल दैन दोज बीचेस। आपको एज ए अल्टरनेटिव ये रखना चाहिए और आपको ये बीच ज़रूर विजिट करना चाहिए, आना चाहिए पुरी में। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैमल, तो आप कैमल राइड भी कर सकते हैं 200 मीटर, और यहाँ गोल्डन बीच पर। और इसके लिए बच्चों का 50 रुपीज़ एंड बड़ों का 100 रुपीज़। तो एक बार मैं बैठता हूँ। ये आप पकड़ लेना सर। अच्छा सामने में आपको ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं गोल्डन बीच पूरी पे, देखिए, और ये आपको टाइटली होल्ड करना पड़ता है तो जिससे आप गिरेंगे नहीं। तो ये चीज़ जो है आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए जब आप, दो चीज़ें हैं, एक तो हॉर्स राइड है जैसे कि साइड में देख सकते हैं, और दूसरा है कैमल राइड। तो आप जो भी आपको आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ ट्राई करनी ही चाहिए ऑन द गोल्डन बीच पुरी। ठीक है अब थोड़ा घूम जाएगा तो
अच्छा तो यहाँ से मैंने परचेज कर लिया कुछ उड़ीसा की लोकल स्वीट। तो ये क्या क्या है इसके अंदर? ये हमारा छेना खोई, छेना गाजा और खाजा, वो आरिशा। और इनका सबका रेट अराउंड 150। मैंने छेना का आइटम सारी आइटम 300 रुपये, और ये खाजा का 2-3 क्वालिटी 160 वाला आप लिया था। और ये तो आरिशा लास्ट दे दिया 5 रुपया वाला 50 रुपया। ओके, यहाँ से सारी स्वीट ले सकते हैं लोकल। तो अभी चलेंगे स्टेशन की तरफ। थैंक यू। जो वहाँ पीछे शॉप से हमने ये स्वीट ले ली, लोकल स्वीट ऑफ उड़ीसा। और अभी लूँगा मैं अपनी ट्रेन दिल्ली के लिए। भैया क्या नाम है आपका? नंबर बेहरा। अच्छा, ये सामने है पुरी रेलवे स्टेशन और टाइम हो रहा है 10:45 और 15 मिनट है मुझे अपनी ट्रेन पकड़ने में। आई थिंक ट्रेन ऑलरेडी होगी स्टेशन पे। तो ये है पुरी रेलवे स्टेशन। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10:48 और अभी मेरी ट्रेन है पुरी टू आनंद विहार टर्मिनल। मेरी अभी उड़ीसा की ट्रिप होती है एंड और आई विल एंटर इन द ट्रेन, फिर मिलते हैं। सो नाउ ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन। दिस इज द पुरी रेलवे स्टेशन।